अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। कुवैत के अंदर जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है या जिन्होंने नहीं लगवाई है उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अब जिन्होंने कुवैत के अंदर वैक्सीन लगवा ली है उन लोगों को ही शॉपिंग सेंटर या फिर अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट, कैफ़े, हेल्थ क्लब या फिर आप सैलून में जा रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ का सैलून हो या फिर जेंट्स का सैलून हो, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो ही आपको आपकी जो एंट्री है वो होगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो आपको जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर आ चुकी है कि कुवैत के अंदर, जैसा कि पहले ही अपडेट दिया गया था, लेकिन ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया है कि अब अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो ही आपको एंट्री दी जाएगी, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको जो है वो एंट्री नहीं दी जाएगी। जबकि अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि आप लोग अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो आप लोगों को जो है वो प्ले स्टोर से इम्यून एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना होगा। इम्यून एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करके इसमें लॉगिन होके आपका जो सिविल आईडी होगा उसको आपको डालना होगा और पासवर्ड वगैरह डालने के बाद आप जब इसमें लॉगिन होंगे तो आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो 14 दिन के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिया जाएगा। और अपडेट करने के बाद आप कहीं पर भी जाएंगे, यानी कहीं पर भी एंट्री करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं और उसके बाद आपकी जो एंट्री है वो हो जाएगी। चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहे हैं या शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट, कैफ़े, हेल्थ क्लब या सैलून में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आपकी एंट्री जो है वो हो जाएगी। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो अब आप लोगों को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आप लोगों की एंट्री जो है वो अब इन जगहों पर नहीं होगी। तो यह एक बड़ी खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी और जो भी जो अपडेट आती रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यहाँ पर आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं, बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई इंडिया में अगर हमने कोवैक्सीन लगवा रखी है तो क्या कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि कोवैक्सीन का अभी तक जो है वो मान्यता नहीं हासिल हुई है, यानी कोवैक्सीन को अभी तक मान्यता जो है WHO की तरफ से हासिल नहीं हुई है। तो इसीलिए आप लोग जो है अगर वैक्सीन लगवानी है तो आप कोविशील्ड की ही वैक्सीन लगवा सकते हैं, दूसरी कोई भी वैक्सीन आप इंडिया के अंदर नहीं लगवाएं, ख़ास तौर से कोविशील्ड या फिर आपको एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन मिलती है तब आप लगवा सकते हैं। इन वैक्सीन को छोड़कर आपको किसी और वैक्सीन को अभी फ़िलहाल नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी एंट्री जो है वो फ़िलहाल कुवैत में नहीं होगी। बाद में अगर वो वैक्सीन अप्रूव कर दी जाती है तो फिर आपकी एंट्री जो है वो कुवैत के अंदर हो सकती है। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा।